थे कि वो वायरस आया है, कोरोना वायरस, और कराची के अंदर एहतियातन उन्होंने कहा मास्क चढ़ाओ, तो जो 100-180 का थैला था वो इन मुसलमानों ने, इन हाजियों, नमाजियों, गाजियों ने इन्होंने उठा के 1700 का कर दिया। लाख लानत तुहाडी इस रोजी दे। ऐसे तो जंगल के जानवर नहीं करते, फिर कहते हैं खुदा का अजाब आ रहा है, तो ऐसी कौम पे रहमतें आती हैं? कौमों पे मुसीबत आती है, कौमें मिल के सीना तान के खड़ी होती हैं। एक हम हैं कि एक 4 रुपए की चीज को बेच रहे हैं 200 रुपए का, क्योंकि मुसीबत इसी कौम पे आई हुई है। एक वो कौम है कि जो ले के डब्बे रस्ते पे खड़ी हुई है, जिसको तकलीफ हो ये रख लो, ये पाकिस्तानी है। मैं कहता हूं कि अगर अल्लाह इस हुकूमत को ताकत दे, जितने जखीरा अंदोज, चीनी जखीरा, अपना गंदम जखीरा, खाने पीने और दवाइयों को जखीरा करने वालों को चौक पे गोली मार देनी चाहिए। ये जानवर जिंदा रहने के काबिल ही नहीं है। लंबी लंबी दाढ़ियां ऊपर हाजी, और किरदार इन कमीनों का क्या है? जिस चीज, याद रखो, जिस चीज की शदीद जरूरत पड़ जाए, जिससे इंसान की जिंदगी वाबस्ता हो, उसको उस मौसम में इसलिए छुपा लेना ताकि महंगी होगी बेचूंगा, ऐसों के ऊपर रसूलुल्लाह ने फरमाया ये पक्का जहन्नमी है, चाहे काबे में मरे चाहे गुंबद खजरा के सामने मरे। ये कौम नहीं, ये जानवरों का कट है, ये दरिंदों का इज्तिमा है। और फिर गवर्नमेंट पकड़ती है तो चीखते हैं, फिर तंजीमें आ जाती हैं लानत इन अंजुमनों के ऊपर, जो इन अय्यारों, इन मक्कारों, इन चोरों के पीछे खड़ी होती है। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह ताला उस रसूल की उम्मत है जिसने हुसैन को पानी पहले नहीं दिया, कहा पहले हसन का हक। उस बाउसूल रसूल की उम्मत इतनी गिर जाएगी, हमसे तो वो गट्टर में पड़े। कीड़े अच्छे हैं, चींटियां अच्छी हैं, मुश्किल पड़ती है तो चींटी आप नहीं भागती, चींटी चींटी को उठा के भाग रही होती। आप कभी चींटियों की बेल पे पानी डालें, फिर देखें उइमन के छोटे छोटे अंडे भी उठा रही होती हैं कि अकेले नहीं जाऊंगी, बिरादरी को लेके जाऊंगी। ये ताजर हैं, ये मर्दूद नस्ल हैं। अकबरी मंडी है, फलानी मंडी है, ऊपर से सीना तान के खड़े हैं, ये प्रोटेस्ट करेंगे, इनको कतार में खड़ा रखो, इनको कुचला दो, इनको जहर दे दो, इन नामुरादों को डबो दो। ये इंसानियत के माथे पे टिक्का है, ये ताजर है। कौमें ऐसे नहीं होती, उम्मतें ऐसे नहीं होती। शुक्र करो रसूले पाक सारी सारी रात रो रो के उसको मना गए कि इनको जिंदा गर्क न करना, इन पे पत्थर न बरसाना, इन पे आग न बरसाना, वरना हम कब के धंस चुके होते, हम कब के गर्क हो चुके होते, कब की हमारे ऊपर अंगारों की बारिश हो चुकी होती, कब के हम सूर और बंदर बन चुके होते। बीच में मुस्तफा की दुआएं आड़े आ रही। वरना रेड़ी वाले से लेकर वजीर आजम तक, खान मोहम्मद कादरी से लेकर मेरे मुअज्जिन तक, कोई कमी हम नहीं कर रहे। हमने तबाही बर्बादी का सामान पूरा किया। एक रसूलुल्लाह की बेटी है, एक फकीर जरूरतमंद के लिए, जिसने उठा के अपने सर की एक ही चादर थी वो भी बेच दी।